इस तरह कुछ बजते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारे सेंट्रल लॉक को हारने से कैसे अटैच करते हैं इसके ऊपर होगी। तो इसके लिए जो जो भी मतलब इक्विपमेंट चाहिए वो चीज़ मैंने ले लिया है, जैसे कि ये दो रिले ले लिया है मैंने, क्योंकि मेरी गाड़ी में दो हॉर्न है, और इसके साथ ही कुछ थिम्बल्स ले लिए हैं कुछ, ये और वायर है, टेप है, एक कटर और प्लायर, ये सब चीज़ ले कर, और इसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इसके हॉर्न को सेंट्रल लॉक से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सा स्टेप्स होता है बहुत ही सिंपल वे में। और इसके जो हॉर्न होते हैं इस जाली के अंदर लगे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि बिना बम्पर को उतारे ही मैं इसमें हॉर्न को अटैच कर सकूं सेंट्रल लॉक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिनकी गाड़ी में एक हॉर्न होते हैं उनको एक रिले लेना होगा। रिले में प्रॉपर सब में लिखा होता है, जो पत्तियां होती हैं इनमें लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 85, 86, 87 और 30। तो सबसे पहले हम इस बम्पर को यहाँ पास से खोलते हैं ताकि हम हॉर्न तक एक्सेस कर पाएँ। तो हमें सोच रहे हैं कि पूरा बम्पर हमें खोलना ना पड़े, बस इतना खोलें तो हमें हॉर्न मिल जाए यहाँ पे। बम्पर के मैंने जो बोल्ट्स हैं ऊपर के उनको खोल दिया है, अब यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमें हॉर्न दिखने लगा है। मैंने कार की जाली खोल दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं, और यहाँ पे दो कपर दिख रहे हैं, दो हॉर्न के हैं अलग अलग, लेकिन आपको बता दूं इसमें बड़ा हॉर्न लगा दिया गया था जिस वजह से इसका जो कपलर है जल गया, और इसमें से हमें एक कपलर का कोई मतलब ही नहीं है। जो कपलर मेरा जल गया है मैं इसमें कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ, जुगाड़ ये है कि मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा और इसमें पहले हमको थिम्बल लगाने हैं। तो एक कपलर को सीधे आप भूल जाइए और एक कपलर से अब हमें काम करना है, तो इस कपलर को पहले हम कट करते हैं। तो एक देख सकते हैं मैंने एक कपलर इसमें से निकाल दिया क्योंकि ये पूरा गल चुका है, इसमें थिम्बल हमें लगाने हैं क्योंकि जो रिले है उसमें थिम्बल ही अटैच होगा, एक कपलर नहीं अटैच हो पाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले थिम्बल लगाते हैं। कुछ ऐसे थिम्बल होते हैं जिन्हें हमें वायर के साथ अटैच करना है, वायर यहाँ पे छील के लगा के इसको दबा देंगे तो ये थिम्बल बन जाने। छील लिया है, अब इसमें क्लिप लगाता हूँ। क्लिप लगाने के लिए कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे थोड़ा वायर को छीलना है और इसके बाद इसके साथ दबा देना है। थिम्बल अटैच हो जाता है, मैंने एक आपको डिटेल से दिखा दिया, बाकी अब क्या है मैं अब थिम्बल इसमें भी लगाना है मुझे, तो इसमें लगा लेता हूं मैं, फिर आपको दिखा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो मेन वायरिंग का जो कपलर था जो हमारे हॉर्न से अटैच होता है कंपनी वाली वायरिंग, उसमें मैंने ये थिम्बल लगा दिया, ये एक कपलर कट करके, और एक कपलर ये खाली पड़ा रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है इस वीडियो में और ना ही इस वायरिंग में। अब हम इस हॉर्न का अटैच करते हैं, तो इसके लिए जो वायरिंग है वो हम करने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये दो वायर मैंने इस दोनों हॉर्न के नाप से ले लिया है, और एक साइड हमने दो थिम्बल लगा लिया लेकिन एक साइड अभी खाली है क्योंकि हमें इस साइड क्या करना है, इस साइड दो वायर और जोड़नी है, इसके बाद थिम्बल लगाना है। जैसे कि मैं इस साइड लगा दूंगा, ये जो दो वायर है एक साइड मैंने हॉर्न से अटैच कर दिया है इसके जो थिम्बल्स हैं, और एक साइड अब हम थिम्बल लगाने जा रहे हैं जिसमें हमें दो वायर और अटैच करनी है। तो ये दोनों वायर में से किसी एक वायर से सबसे पहले तो हमें निगेटिव निकालना है, तो निगेटिव निकालने के लिए मैं छोटी वायर लिया हूँ क्योंकि जो ये नट दिख रहा है इसमें मुझे निगेटिव देना है, तो मैं इसको पहले इकट्ठा करता हूँ। तो इकट्ठा हो चुके हैं ये वायर, अब इसमें हम थिम्बल लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वायर अभी खुला छूटा हुआ है और एक वायर में थिम्बल लग चुका है, और एक वायर अभी सेम इसी तरह और करना है। ये छोटा वायर मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे निगेटिव देना है, बॉडी के साथ निगेटिव देना है, तो मैं यहाँ पे देने के लिए सोचा तो छोटी वायर मैंने कर लिया। इसके साथ एक वायर और करनी है, इसको भी साथ में ऐसे ही जोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वायर में मैंने थिम्बल लगा लिया है, और एक वायर अभी लंबी है एक वायर छोटी है, तो इसको अभी निगेटिव कर देंगे, बाकी पहले थिम्बल लगा देते हैं। देख रहे हैं निगेटिव वायर, इसके लिए मैंने भी एक थिम्बल लिया है जो होल वाला है, इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा, अभी आप देखेंगे। अब ये जो निगेटिव है इसको मैं इस बॉडी के साथ, ये पूरी बॉडी है कहीं पे भी आप अर्थ दे सकते हैं, तो इसको मैं यहीं पे अर्थ देता हूँ। यहाँ तक का कनेक्शन आपने देख लिया, यहाँ से मैंने निगेटिव कर दिया है एक वायर को, और एक वायर अब बची है, और बाकी जो है दोनों हॉर्न का कनेक्शन हो चुका है, ये मेन वायरिंग का है। तो इसमें अब रिले लगाना है, तो जो रिले है इसमें पूरे नंबर लिखे होते हैं 85, 86, 87 और 30। तो ये जो हॉर्न की वायर है एक को हमें 85 नंबर पे लगाना है और एक को 86 नंबर पे, तो इसमें लिखा होता है मेरे इस रिले में ये 85 नंबर है और 86 नंबर ये, और इसके बाद इसको 86 नंबर पे लगा देता हूँ। अभी इसमें दो थिम्बल्स बाकी हैं, उनको भी बताना है कहाँ पे लगाना है।
कि आप देख रहे हैं एक बार मैंने इस पे छोड़ा था, तो इसको हमें रिले के इस एक पॉइंट तक लाना है, तो रिले तक हमें नाप लेना है। रिले हमें जहाँ पे रखना होगा, जैसे मान लीजिए रिले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक इसको नाप लेता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद दोनों को अटैच करके एक थिम्बल बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये थिम्बल अटैच हो गया है, और थिम्बल को किस लैग पे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 87 नंबर लैग पे इसे लगाना है। तो 87 नंबर लैग इस रिले में ए वाला है, तो इसमें मैं लगा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसका भी कनेक्शन यहाँ पे हो गया। अभी इसमें 30 वाला बचा है, जो हमारे डायरेक्ट पावर सप्लाई से होगा। तो अब इसमें एक वायर जो बची है, अभी इसको ऐसे छोड़े रहने देना है, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हमें जो हमारे जो सायरन की वायर होती है, हूटर की, जो भी आप बोल सकते हैं, बजर, सायरन, हूटर, तो उसकी ये दो वायर हैं यहाँ पे हैं बैटरी के पास, लेकिन इसमें क्या है रिले लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों वायर को एक्सटेंड करके जहाँ पे ए रिले लगी है यहीं पे मैं ले आऊँ और उसके साथ कनेक्शन कर दूँ। इसके साथ मैं उसको करता हूँ, और अभी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो कि ये दो वायर कहाँ से आ गई। तो जो दोनों वायर है आपको बता दिया मैंने, हूटर की थी, इनको एक्सटेंड कर लिया हूँ। अब इसको नीचे नीचे कहीं से छुपाते हुए लेके जाना है ताकि ये दिखे भी ना। अबे जो दोनों वायर आ गई हैं, इनमें भी हमें थिम्बल ही लगाना है। इनको हम बराबर पहले कट कर लेते हैं। अब इन दोनों वायर को छील के इसमें हमें थिम्बल लगाना है। जो दो वायर सेंट्रल लॉकिंग का जो हूटर होता है उसकी होती है 85 और 86 नंबर पे लगाना है। तो एक 85 नंबर यहाँ पे हो गई, अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैंने लगा दिया है। अब इसमें जो 87 नंबर बचा है, ये 87 नंबर लैग और ये 30 नंबर लैग, तो इसमें से आप देख सकते हैं एक बार मैंने छोड़ा था 87 नंबर पे लगा के, तो इसको हमें इस रिले के नाप तक कट करना है, और इसके बाद इसमें एक थिम्बल जोड़ के 87 नंबर में लगा देना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और शुरू से जब आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि 87 नंबर जो इसमें लैग था एक रिले में, उसमें हमने दो वायर जोड़ी थी क्योंकि हमें 87-87 नंबर को मैच करना है, दोनों रिले के 87-87 नंबर पॉइंट को जोड़ना है। तो अब उसी के लिए मैं इसमें थिम्बल लगाया हूँ। इस थिम्बल को हम लगा देंगे इस 87 नंबर के पॉइंट पर। अब जो रिले आपको दिख रही होगी, इसमें एक एक लैग खाली है, एक ए लैग खाली है, एक ए खाली है, दोनों 30-30 नंबर के हैं। तो इनमें अब हमें दोनों को इकट्ठा करके बैटरी के पॉजिटिव में, तो दो वायर हम वो कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पे आप देख सकते हैं दो लैग मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ये दोनों 30-30 नंबर हैं, मतलब दोनों से हमें कॉमन वायर निकाल के बैटरी पे देना है, क्योंकि दोनों को सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक का कनेक्शन हो गया, और एक कनेक्शन यहाँ पे मैं दे दूंगा। यहाँ पे देने के बाद जो लास्ट हमारा कनेक्शन बचता है वो हमारी बैटरी का है, ये जो है, और इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल, और इसके बाद हम बैटरी पे कनेक्शन देके चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा कि नहीं। तो अभी ये जो वायर है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव से देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसका पूरा कनेक्शन जो था सेंट्रल लॉक को हॉर्न से कैसे अटैच करते हैं उसका मैंने पूरा डन कर दिया। आप देख सकते हैं दो रिले, ये दोनों रिले में हमने टेप भी लगा दी है, और जो इसकी मेन वायरिंग जो गई है ये 30 नंबर वाली वो इसमें गई है। आप देख सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव, ये जो दोनों वायर हैं हमारे हूटर या सायरन जो सेंट्रल लॉक का हॉर्न होता है उससे अटैच होती हैं, तो उस वायर को डायरेक्ट हम यहाँ रिले में लगाए हैं। तो इससे आप लोग डाउट नहीं करिएगा कि ये दो वायर कहाँ से आई हैं, ये वायर तो आपको पता ही रिले के 30 नंबर से जाती है। आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे बचते हैं। इस तरह कुछ ये बचते हैं, लॉक अनलॉक में कुछ इस तरह बचते हैं ना। चाहूंगा पर्सनली ये मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये इतना तेज बचता है कि जब भी मतलब हम लॉक या अनलॉक करते हैं गाड़ी को, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब ये सेंट्रल लॉक के साथ सिंपली बचते हैं तो बहुत तेज बचते हैं, आप सुनिएगा इस तरह कुछ बचते हैं, तो इसकी जो आवाज़ है एकदम से कानों को चुभती है। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप मतलब वीडियो देख के कनेक्शन कर लीजिएगा। तो करना है तो इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, लगभग आपकी 150 रुपये की दो रिले आएंगी 4 पिन वाली, और इसके साथ ही थोड़ा सा वायर चाहिए, वायर के अलावा कुछ भी नहीं, वायर और ये थिम्बल्स चाहिए, इस प्रकार के थिम्बल आपको चाहिए, आप कनेक्शन कर सकते हैं घर पर ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।